आपका मोबाइल फ़ोन आप बड़ा काम का है, इस्तेमाल करते हैं, अच्छे से यूज़ करते हैं, लेकिन आपके मोबाइल नंबर पे कोई आपको परेशान करने लग जाए, कोई धमकाने लग जाए, कोई शरारत करने लग जाए, रात 2 बजे 3 बजे 4 बजे कभी भी आपको फ़ोन करने लग जाए, तो आपको यही फ़ोन फिर किसी दैत्य से कम नहीं लगेगा। फोन सुख की वस्तु है, लेकिन अगर वही दुख का कारण बन जाए तो किसी भी वस्तु के सुख से दुख में बदल जाने में कभी कभी देर नहीं लगती। आपने बहुत सुंदर ज्वेलरी पहना, शादी से लौट रहे और रास्ते में चोर उचक्कों ने पकड़ लिया आपको, बोले मारेंगे तुमको, क्या बोलोगे? भैया मारो मत, यही चाहिए ले लो। सोना आपको सुख दे रहा था, ज्वेलरी आपको सुख दे रही थी, लेकिन यही ज्वेलरी अगर जान के लिए खतरनाक हो जाए तो आप कहोगे ले लो, इसको ले लो, तुम इसको ले लो, मुझे मत मारो। तो फिर जान प्यारी हुई कि सोना? चीजें प्यारी नहीं है, याद रहे हमें उनसे जो सुख होता है हमें वो सुख प्यारा लगता है। अब हम अगर यही सुख अपने अंदर से लेना सीख जाएं, मंत्र के द्वारा लेना सीख जाएं, और ये सुख आपको जैसे जैसे मिलने लग जाएगा, त्यों त्यों ईश्वर में मन लगाना नहीं पड़ेगा, आपसे आप लग जाएगा। दैट इज द बिग डिफरेंस। यूं समझिए, किसी की लॉटरी लगी, 1 करोड़ की लॉटरी लग गई, लगी तो वो नाचने लगा। हाँ, नाचने लगा, सब लोग बोले क्या हुआ? बोले इसको लॉटरी लग गई इसलिए ये नाच रहा है। उसको देख के 2-4 लोग और नाचने लग गए, बोले तुम क्यों नाच रहे हो? बोले क्या पता हमारी भी लग जाए। सवाल उठता है, लॉटरी लगी तो नाचे तो नाच लॉजिकल हो गया, समझ लगती, कारण है उसका, पर नाचने से लॉटरी कैसे लग जाएगी? ऐसे मन मंत्र से जुड़ा और भीतर रस आया, भीतर रस आया, मंत्र और होने लग गया। तो संत को मंत्र करते हुए देख के किसी ने सोचा ये माला फेर रहे हैं, बड़े आनंद में हैं, मैं भी माला फेरूंगा, मुझे भी आनंद हो जाएगा। तो अब सारा जमाना लगा माला फेरने, पर वो भूल गया संत फेर रहा था माला क्योंकि भीतर आनंद हो रहा था। ऐसे समझो, तुम्हारी जुबान में बोल देती हूं, जो पीने वाले बैठे हो ना पीने को, तो घरवाली कहती बस करो, कहते बस सिर्फ एक और, तुम उठने लगे तो दोस्त कहते बस रुको बस एक और, बस वो एक एक करते शराबियों की रात निकल जाती, पता ही नहीं चला कब। जुआरी जुआ खेलने बैठा, लगा उठने, कह रहे एक बाजी और, मजा आ रहा है, वो फिर बैठ गया, एक और फिर एक और फिर एक और, उस मजे में रात कहाँ गई मालूम नहीं, आनंद आ रहा था। संत राम का सुमिरन कर रहा है क्योंकि भीतर आनंद हो रहा है, तो लगा थोड़ा और, फिर चलो थोड़ा सा और, चल फिर थोड़ा सा और, चल फिर थोड़ा सा और, चल फिर थोड़ा सा और संत की रात बीत गई और घंटों बीत गए। दुनिया ने देखा, अरे ये तो घंटों बैठा रहा भजन में, हम भी बैठते हैं, उनने भी माला पकड़ ली, लेकिन 2 बार मंत्र किया, 3 बार मंत्र किया, मन कहे तो भूख लग गई, बाथरूम जाना है, घर के काम है, सोना भी है, नहाना भी है, खाना भी है, ये भी है, वो भी है, ये भी है, वो भी है, तो फिर माला छूट गई ना हाथ से। और फिर सोचता है हम तो संसारी हैं, हम क्या भजन करेंगे, जिन्होंने संसार छोड़ा बस वही लोग भजन कर सकते, हम कैसे कर सकते। तो ये हम अंगूर खट्टे हैं वाली, इस सब की कथा है ना, लोमड़ी को अंगूर न मिले तो कहती
अंगूर खट्टे हैं, रहने दो, क्या करेंगे। ऐसे ही तुम कहते हो हम संसारी हैं इसलिए हमारा मन भजन में नहीं लगता, संसार छोड़ेंगे तो मन लगेगा। अच्छा कब छोड़ोगे संसार? अजय बस पड़पोते की शादी देख लूं, ज्यादा दूर नहीं, बस ये पड़पोते की शादी देख लूं, माय ग्रेट ग्रैंडसन उसकी शादी देख लूं, फिर छोड़ दूंगा दुनिया में। उसे भी मालूम है उसके पहले तो तुम क्या छोड़ोगे, दुनिया तुम्हें छोड़ देगी, कहां शमशान में, उसके बाद कौन रखेगा, प्राण गए तो गए। तो प्लानिंग इतने दूर की कर लेते हैं लोग, संसार में सुख आ रहा है ये छूटता नहीं, राम भजन में सुख मिलता नहीं तो चाह के भी, कोशिश करके भी, बहुत एफर्ट करके भी वो बात नहीं बनती। मैं आज आपके मन से एक बोझ हटाना चाहती हूं, आपका कोई दोष नहीं है। अगर नाम जप करते में रस नहीं आया, अगर नाम जप करते में आनंद नहीं आया तो उसमें दोष आपका नहीं है, आपको सिर्फ ठीक सिखाया नहीं गया, बस वो ठीक सीख लेंगे मजे से करेंगे। तो जितना रस दादू जी को आया, या कहो संत चरणदास को आया, या रज्जब को आया, या कबीर को आया, या मीरा को आया, उतना ही रस तुमको भी आ जाएगा। इतना रस, इतनी मस्ती कि उस मस्ती के आगे पूरा संसार फीका पड़ जाता है। The only thing needed is the right way to do it. Once you know that, then it is not difficult at all. तो सिस्टम क्या है उसको समझने की चेष्टा करनी चाहिए, ऐसे ही माथा नहीं फोड़ना चाहिए। महात्माओं ने उसको सिखाया है, किसी अच्छे महात्मा से सीखोगे तो वो भी तुमको सिखा देगा, कोई ऐसी मुश्किल की बात नहीं है। पर जिनने सीखा, जिनने इसको किया, वो अपने रस का वर्णन इतनी खूबसूरती से करते हैं। पद है कबीर जी का, कबीर कहते हैं मैं ध्यान में उतरा, मैं भजन में गया, इतना मन मस्त हुआ कि अब तो मुझसे कुछ बोला भी नहीं जा रहा है, कुछ कह भी नहीं सकता हूँ, कि इतनी मस्ती मुझे आई, इतनी मस्ती मुझे आई कि चाह के भी कह नहीं सकता हूँ, मेरे पास वो शब्द नहीं जो वर्णन कर सके। कबीर का ये पद श्रवण करिए। मन मस्त हुआ, मन मस्त हुआ क्यों डोले, मन मस्त हुआ क्यों डोले, मस्त हुआ क्यों डोले, मन मस्त हुआ, मस्त हुआ क्यों डोले, मन मस्त हुआ क्यों डोले, मन
छड़ी तराजू हल्की थी तब छड़ी तराजू पूरी भई अब क्यों तोले पूरी भई अब क्यों तोले तीरा पायो काठ कठायो
कहते हैं साहेब तेरे घट में बैठा बाहर नैना क्यों खोले। जिसे वो साहेब कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, वो कोई और नहीं, वह आनंद स्वरूप है जो तेरे ही भीतर है। और मूर्ख मन तुझे सुख ही तो चाहिए, इधर उधर काहे भटक रहा है, जस्ट गो इन, दैट्स इट। जो चीज घर में है उसको लेने हम बाहर थोड़ी जाएंगे, हम पागल हैं क्या? जो चीज घर ना हो वो लेने हम बाहर जाते हैं, जो चीज घर में हो वो लेने हम बाहर नहीं जाते हैं। एज सिंपल एज दैट। आनंद स्वरूप परमात्मा तुम्हारे भीतर है, तो उसका सुख लेना हो तो कहाँ जाएं? शिवालय में, देवालय में, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में कहाँ? बोले नहीं, जो अंदर बैठा हो उसके लिए अंदर ही जाना होगा। माफ करिएगा, मुझे बड़ा प्रेम है सुंदर देवालयों से, सुंदर गुरुद्वारों से, बट लेट मी से, जो परमात्मा से मुलाकात करनी हो तो यहां अंदर जाना चाहिए। चप्पल पहन के बाहर जाने की तो जरूरत ही नहीं। सच ये है, भले देवालय हो, गुरुद्वारा हो, वहां भी जाना तब सार्थक है अगर आप वहां जाकर के एकांत मिले। कभी एकांत होता था, मौन होता था, शांति होती थी। घर में थोड़ा शोर शराबा है, बच्चे हैं, रसोई में किटपिट चल रही है, बच्चों की झिटकिट चल रही है, एकांत नहीं था तो लोग चले जाते थे। कहाँ? बोले मंदिर में शांति मिलेगी। माफ करना, अभी तो तुम्हारे मंदिरों में घर से ज्यादा शोर होता है। फ्री प्रसाद करने की लाइन है, घंटा घड़ियाल बज रहा है, धक्का मुक्की हो रही है, जेब कतरे सारे वहीं पहुंचे होते। इसलिए तो लोग चप्पल भी ऐसी जगह उतारते हैं कि चप्पल भी दिखती रहे और भगवान भी दिखते रहे। वो ऐसी जगह चप्पल नहीं उतारते कि चप्पल ही ना दिखे, क्योंकि कब साफ हो जाएगी पता ही नहीं चलेगी। तो भगवान की फिक्र करने से पहले चप्पल की करनी पड़ती है। एक बच्चे ने कहा, मम्मी चप्पल टूट गई, नहीं ले दे। कहते बेटा आज सोमवार है, शिवालय चलते, वहीं मिल जाएगी, जो पसंद हो, एवरी ब्रांड इज अवेलेबल, ट्राई भी हो जाएगी, वहीं चलते हैं, तो सोमवार को चले चलो। माफ करिएगा, जूता चोर भी वहीं पे हैं, जेब कतरे भी वहीं पर हैं, शादी ब्याह कराने वाले भी वहीं पे पहुंचे होते हैं। बोले लड़की कोई दिखाओ ना, वो कहते मंदिर आ जाओ, मंडे वो आती है, फैमिली भी आती है, दूर से देख लेना।
भाई तुम भगवान को देखने गए थे कि लड़की ताड़ने गए थे? वो लोग जाते हैं, लड़का वहाँ देख लेते, लड़की देख लेते हैं, फिर जो बिचौली है वो वहीं, फिर तो यहीं यहीं बात कर लो थोड़े, अगर राजी हुए तो घर में जाए, नहीं तो फ्री में चाय पिलाओ, समोसे खिलाओ, लड़की भी पसंद नहीं आए तो रिश्ते होते हैं, बिजनेस डील होती है। बोले भाई साहब मीटिंग करनी थी, सामान लेना था ना आपसे। बोले मैं तो बड़ा बिजी हूँ। बोले कहाँ हूँ? बोले मैं तो मंदिर हूँ। बोले मैं भी वहीं पर हूँ। उसके सेक्रेटरी से पूछ लिया था कि साहब कहाँ होते हैं? बोले इतने बजे तो वो मंदिर होते। बोले आपने दर्शन कर लिया? मैं भी पीछे ही तो खड़ा हूँ, मुड़ के तो देखो। और वो खड़ा मंदिर में, वहीं पे SMS खेल रहा है। बेचारे भगवान तो खड़े इंतजार ही करते रहते, भक्त मेरी ओर कब देखेगा, क्योंकि वो फोन को देख रहा होता। बिजनेस डील के लिए लोग जाते हैं। पीपल आर वेरी प्रैक्टिकल। भगवान का भगवान हो गया, काम का काम हो गया। भगवान के लिए कौन जाता है? लेकिन एक समय में मंदिर एकांत था, चुप था, मौन था, घर के बनिस्पत क्वाइटर था, तो वहां जाकर के बैठते तो अंतर मन जोड़ना सहज हो जाता। इसलिए कहा मंदिर जाओ। जैसे हम बीमार को कहते हैं अस्पताल जाओ, क्यों? अस्पताल में डॉक्टर है, दवा है। अच्छा, ऐसा अस्पताल हो जहाँ डॉक्टर कोई नहीं, जहाँ दवा कोई नहीं, ऐसे हॉस्पिटल में जाएंगे क्या आप? नहीं जाएंगे। ऐसे ही मंदिर, तीर्थ एक हॉस्पिटल है, गुरु संत एक डॉक्टर है, राम नाम की दवाई है, ध्यान की दवाई है। तो मंदिर हम इसलिए जाते कि शायद किसी संत से मुलाकात हो जाए, कोई महात्मा मिल जाए तो उनके पास बैठेंगे, तो उनसे पूछ लेंगे कैसे मन लगाया जाए, वो बताएंगे, हम करेंगे, मन लग जाएगा, उस प्यारे से मुलाकात हो जाएगी जो भीतर रहता है। तो सीखने की दृष्टि से, महात्मा को मिलने के ख्याल से मंदिर जाओ तो मुबारक, रोज जाओ। पर भगवान वहां नहीं है, यहां है। और अगर यहां देखने नहीं आया तो वहां कैसे दिखेगा? गुरु नानक साहब का वचन है, वहां तो जाइए जो यहां न होए। वहां माने वहां, मैं तो जाऊं अगर प्रभु मैं तुम्हें यहां ना देख पाऊं, और अगर मुझे यहां तू दिख गया तो फिर मैं वहां क्यों जाऊं? कर लागो रंग, मेरा चित्त न चले, मन पयो पंग, मेरा मन पंगु हो गया है। क्यों? आनंद स्वरूप का आनंद पाकर के मेरा मन मस्त हो गया है, अब कहीं और जाने की चाह नहीं, कहीं और जाने की इच्छा भी ये मन अब नहीं कर रहा है। तो वह आनंद स्वरूप आपके ही भीतर है। क्वेश्चन इज, डू यू नो हाउ टू गो इन और नॉट? इफ यू डोंट नो हाउ टू गो इन तो फिर बाहर ही भटकते रह जाओगे। लोग गिनते रहते, चार धाम में से तीन हो गए, एक बचा। लोग गिनते रहते, चार धाम तो हो गए मेरे, पर रामेश्वरम बचा है। कोई बोलता रामेश्वरम भी हो गया, भाई साहब सिर्फ कन्याकुमारी बचा है, हम तो तर गए, तुम फंसे रह गए। कहते कोई नहीं बेटा, इस आती छुट्टी में मैं भी टिकट कटाएगा, गंगा सागर जाएगा, डुबकी लगाएगा और सारे पाप ताप छूट जाएंगे और भगवान का तो दर्शन हो जाने वाला है। सच कहूं, ज्ञान की गंगा मन में उतर जाए, यहीं स्नान हो जाए, सारे काम हो जाएंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं। देखो मैं तुम्हारे पैसे की कितनी बचत करा रही। हाँ, सरकार स्कीम बनाती है, लागू हम करवा रहे हैं। कहीं जाओ पैसा लगता है, होटल है, धर्मशाला, ट्रेन टिकट, प्लेन, टैक्सी, स्कूटर, खाना पीना, कितना पैसा लग जाता है। मैं तुम्हें कह रही हूँ, ना हरिद्वार जाने की जरूरत, ना गंगा सागर, ना काशी जाने की जरूरत, ना अमृतसर, ना मक्के जाने की जरूरत, ना किसी गिरजे में। आँख बंद करो, साहेब यहीं तेरे बैठा है। साहेब मिल गया दिल ओले, कबीर कहते हैं मुझे साहेब मिला मेरे दिल के ओले में, दिल के इस घर में, इन द निश ऑफ माय हार्ट आई फाउंड माय बिलव्ड। तो भाई साहब अगर कबीर जी को अंदर अंदर मिल गया तो तुम्हें क्यों नहीं मिलेगा? तुमसे कोई नाराजगी है भगवान की क्या कि तेरा दिल छोड़ के चले गए कहीं? बोलो ना,
कि तेरा दिल छोड़ के चले गए कहीं, जो सर्वत्र रमा है वो तेरे दिल में नहीं। शायर कहता है, देख देख तू भी चांद की तरफ देख, ये देखो हमारे चांद सारे ऊपर बैठे हुए। देख देख तू भी चांद की तरफ देख, क्या तेरे पास आंख नहीं तो खुद की आंख से देख। और खुद की आंखें जो हमारे पास हैं, इसका उपयोग करना भर हम भूल गए। सुख चाहते हैं, सुख को ही तरसते हैं, पर सुख के लिए ही भटकते हैं। और मन है कि उम्मीदें देता रहता है, इसमें 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 इसमें, आज नहीं कल, आज नहीं कल, आज नहीं कल। और लोग इस कल के चक्कर में इंतजारी करते रहते, वो कल कब आएगा? तो ज्योतिषी से पूछते, महाराज बताओ ना कब आएगा वो दिन? अच्छे दिन आएंगे, बोले कब? कब जरा देख के बताओ, बोले अभी तो 7.5 ही चल रही है, 7 साल रुक जाओ, अभी तो शनि का ढैया है, 2.5 साल रुक जाओ। कोई कहता है अभी तो राहु की दशा चल रही है, अभी रुक जाओ, आने वाला है शुक्र, शुक्र आएगा ना तो देखो महाराज लहर बहर हो जाएगी, हम भी यहीं पे तुम भी यहीं पे। कब आएगा? बोले रुक जाओ 7 साल। वो बेचारा 7 साल तकलीफ भोगता रहता है इस उम्मीद में। 1 साल गया, 2, 3, 4, कहते अब तो बस थोड़ा ही बचा है, थोड़ा ही बचा है, थोड़ा ही बचा। करते करते 7.5 साल निकल गए, सुख नहीं आया। पंडित जी के पास फिर गया, पंडित जी को देखो ठीक से तो देखो, जरा हिसाब ठीक से लगाओ। कह रहे नहीं देखो मैं क्या करूं ना, 7.5 ही तो निकल गई पर मंगल की दशा चालू हो गई है, तो देखे हम क्या कर सकते हैं। तो मंगल में तो कोर्ट कचहरी कांट फांट एक्सीडेंट रोग तो होना तय है। देखिए जी ग्रह मैंने थोड़ी बनाए हैं, तो कभी कुछ तो करो। हाँ एक यज्ञ कर सकता हूँ, 2.5 लाख रुपया लगेगा, यजमान चलेगा। किसी के घर सीखते रहते हैं, तुम्हारे कमाए धन से तुम दुख में सड़ते रहते हो सुख की इंतजार में। कभी सोच के देखिए, ज्योतिषी आपके हाथ का हाल देखता है, आपको बताता है, पर सुबह सुबह सबसे पहले तो वो अपना देखता होगा, आज कितने आएंगे। पंडिताइन पूछती होगी, पंडित जी जरा अपना देखो, राहु तो नहीं लग गया कहीं तुम्हें? कोई तेरे आता क्यों नहीं है? ठीक से पढ़ाई कर लिया करो, कुछ तो तुम करो, तुम्हारे क्यों नहीं है? वो बेचारा सबसे पहले तो अपना ही देखता होगा और फिर तुम्हारा देखता होगा। तो तुम ही इंतजार में नहीं हो, पंडित लोग भी इंतजार में होते, कोई तो आएगा, कोई आएगा, कोई आएगा, कोई पल की इंतजार कर रहा है, कोई किसी घटना की इंतजार कर रहा है। और मेरा निवेदन ये है, इंतजार मत करो, बस अपने भीतर ध्यान में उतरना सीख जाइए, आपका अच्छा समय अभी के अभी शुरू हो जाएगा। अच्छे दिन की इंतजार नहीं करनी पड़ेगी, अभी के अभी तुम्हारे अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे।